मैं जितना सनम से दूर जाने की कोशिश करता हूँ, वो मेरे उतने ही करीब आती जाती। ये जानने के बावजूद कि उसने मुझे धोखा दिया उसके लिए, लेकिन मेरा दिल हमेशा पिघल जाता है। उफ, ये कैसी कश्मकश है। सनम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप आहिल जी के साथ कमरे में। नहीं तो मैं वहां पर कभी नहीं आती। सनम, मैं जानती हूं आपने इतनी मुश्किलें और परेशानियां देखी हैं। इतना सब कुछ होने के बाद जब आहिल जी आपके करीब आ रहे थे तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। देखो सनम, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। और किस बात की माफी मांग रही हो जब तुमने कोई गलती नहीं की? तो जब दो प्यार करने वालों के बीच में दूरियां बहुत बढ़ जाए ना, तो उन्हें मिटने में बहुत वक्त लगता है। मेरे और आहिल के बीच की दूरियां भी इतनी आसानी से कम नहीं होंगी, बहुत वक्त लगेगा। एक मिनट, मैं ज़ियारत पर गई थी आपके और राहिल जी के लिए न्याज लेकर आई। मैंने आप दोनों के लिए अल्लाह से मन्नत मांगी कि आप दोनों के बीच की सारी दूरियां हमेशा के लिए मिट जाए। दो मोहब्बत करने वालों के बीच में दूरियां ज्यादा दिन अच्छी नहीं लगती ना। बहुत बहुत शुक्रिया सनम।